भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर यह सवाल बनता है कि कैसे पार्टी राजनीति के शतरंज में बादशाह बन गई। कभी इस खेल में बीजेपी लंगड़े घोड़े की तरह चाल चलती रही, लेकिन फिर राजनीति के पिच पर सरपट दौड़ने लगी। नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया, उस पर बात करने से पहले बीजेपी के राजनीतिक उत्थान की बात कर ली जाए। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, लेकिन उसे चुनाव लड़ने का मौका साल 1984 में मिला। लोकसभा के चुनाव में उसे मात्र 2 सीटें मिली। साल 1994 के हुए चुनाव में गठबंधन के बूते बीजेपी ने सरकार तो बनाई, लेकिन वह विपक्ष की चालों को समझ नहीं पाई और 13 दिन में ही सरकार का अंत हो गया। 2 साल बाद फिर से बीजेपी को अपने सर्वमान्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन यह सरकार भी 13 महीने में ही निपट गई। वर्ष 1999 में बीजेपी ने देश के 20 राजनीतिक दलों के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। सरकार बनी, परंतु इस बार उसके हाथ बंधे हुए थे। इसके बाद बीजेपी को 10 साल का राजनीतिक वनवास झेलना पड़ा। इसके बाद भारत का राजनीतिक परिदृश्य बदलना शुरू हुआ, जब बीजेपी आलाकमान ने वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव आने से पहले ही गुजरात राज्य में 15 साल से ही मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। अपने पराये के चक्रों में घिरे मोदी ने किस तरह राजनीति की बिसात पर अश्वमेघ दौड़ाया, उनकी छवि को विवादास्पद बनाने के प्रयास किए गए और कहा गया कि वह भारत के लोकतांत्रिक और सौहार्द से भरे ताने बाने को बिखेर देंगे। लेकिन गुजरात में सीएम के दौरान उनके विकास परक कार्य, गुजरात को दंगा मुक्त राज्य बनाना तो उनके लिए प्लस ही रहा। साथ ही सालों से भारत की कथित धर्मनिरपेक्ष छवि से परेशान और अकुला रहे हिंदुओं के मन में नरेंद्र मोदी को लेकर अपनापन जागा। इस तरह मोदी की राह से कुहासा छटना शुरू हो गया। पीएम मोदी ने जनमानस में छवि छोड़ी कि वह देश हित के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाए, आम जन के लिए विकास की योजनाएं शुरू की और विदेश नीति को लगातार मजबूत बनाया। उन्होंने देश और विश्व तक यह संदेश पहुंचाया कि भारत हित हर हाल में होगा, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं, उनके लिए सब समान है।